ग्राम्स डेली। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या, उस डिफरेंस को लेकर आए हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम है क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने एक तरीका अपनाया जिससे उन्होंने ये बताया कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ये ग्राम नेगेटिव है। तो ये एक्चुअली यूज अ डिफरेंशियल स्टेन। डिफरेंशियल स्टेन या डिफरेंशियल टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, जो दो चीज़ों को डिफरेंट करें, दो चीज़ों का डिफरेंस क्रिएट क्लियर करें। तो डिफरेंशियल स्टेन हो गया कि दो तरह के बैक्टीरिया है और हमें डाई करके, हमें उस पर कलर डाल के पता करना है ये कौन से तरीके का है, ये कौन से तरीके का बैक्टीरिया है, ठीक है। सो इन्होंने इस टेक्निक से बताया कि अब जो इन्होंने एक डाई उसमें यूज़ की जिसका नाम इन्होंने अपने नाम पर रख दिया ग्राम, दैट इज़ वाई कि वो जो डाई है अगर उन्होंने वो सस्टेन कर ली तो पॉजिटिव, नहीं की तो नेगेटिव। ग्राम के हिसाब से अगर डाई सस्टेन हो रही है तो पॉजिटिव, अगर ग्राम के हिसाब से डाई सस्टेन नहीं रह रही है उसके अंदर तो नेगेटिव, ठीक है। सो 1884 में इन्होंने ये टेक्निक, एक डिफरेंशियल स्टेन टेक्निक अपनाई है दो बैक्टीरिया को अलग करने में। और वो दो बैक्टीरिया कौन से बनाए इन्होंने, एक इन्होंने बोला जो उस डाई को, जो उस कलर को सस्टेन करेगा दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं करेगा दैट इज़ ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ये टेक्निक सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस क्लियर हो जाए। सो अगर आप एक ग्राम पॉजिटिव की फॉर्मेशन देखते हैं और अगर आप एक ग्राम नेगेटिव की फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। सो ग्राम पॉजिटिव में हमने सेल वॉल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव में ये लिपिड का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आपने सैंपल है, सैंपल मतलब बैक्टीरिया का जो आपने पेट्री डिश में, कल्चर में जो उसको ग्रो किया, कल्चर क्या होता है, एक पेट्री डिश होती है उसमें आप क्या करते हो, इसको ग्रो करते हो, बैक्टीरिया को जो है खाना पीना देते हो उसके हिसाब से, हम कल्चर बोलते हैं, कल्चर क्रिएट करते हैं उसको हिसाब का इन्वायरमेंट देते हैं उसमें वो ग्रो करता है। अगले दिन आप उसको क्या करेंगे, उठाएंगे, उठाने के बाद एक ग्लास स्लाइड पर रखेंगे, सबसे पहले उस ग्लास स्लाइड में रखने के बाद उस ग्लास स्लाइड को बंसन बर्नर के ऊपर लेके जाएंगे ताकि वो क्या हो जाए, सो बैक्टीरिया को हमने थोड़ा सा हीट करना है ताकि वो स्लाइड पे फिक्स हो जाए। तो ये स्लाइड है, तो ये स्लाइड पे क्या है, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को हमने बंसन बर्नर के ऊपर चलाना है ताकि वो आपका वहाँ पे फिक्स हो जाए। फिक्स होने के बाद आपने उसके ऊपर मिथेनॉल डालना है, क्या डालना है, मीथेनॉल। मानो कि आपको बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करनी है, तो मीथेनॉल क्या करता है, उसको वहाँ पे फिक्स कर देता है ताकि हम उसकी स्टडी मॉर्फोलॉजी जो है वो अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए अगर आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी है तो वी कैन यूज़ अ लिटल बिट ऑफ ड्रॉप ऑफ मीथेनॉल, उससे वो फिक्सिंग जो है वो उसकी अच्छी हो जाएगी स्लाइड के ऊपर, आप उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बनावट जो है वो पढ़ सकते हैं, गॉट इट। उसके बाद आप इसमें क्या डालेंगे, डाई डालेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट कलर की डाई जो है डालेंगे और उसको 30 सेकंड के लिए छोड़ देंगे, ठीक है।
उसके बाद डाई डालने के बाद आप क्या करते हैं, डाई डालने के बाद इसको पानी के साथ रिंस करते हैं, रिंस इट विद वाटर। पानी को क्यों डालना है, रिंस इट विद वाटर फॉर वेरी फ्यू सेकंड्स के साथ, ताकि अगर स्लाइड हो, मतलब ये स्लाइड है तो इस स्लाइड के ऊपर तुमने ये बैक्टीरिया है और उस पर तुमने क्रिस्टल वायलेट डाला, वायलेट कलर डाला, ये वायलेट डाला। सो अगर अब आप इस पर पानी डालेंगे, एक्स्ट्रा कोई वायलेट हो तो वो वहाँ से, अगर एक्स्ट्रा डाई जो होगी वो वहाँ से निकल जाएगी, डुबोना नहीं है, जस्ट हमने उसको ड्रॉप वाइज डालना है ताकि वहाँ से वो पानी जो डाई है वो वहाँ से निकल जाए। तो रिंस इट विथ वाटर फॉर फ्यू सेकेंड्स, फॉर फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक और डाई, देखो क्रिस्टल वायलेट डाला, फिर पानी से वॉश किया, अगर एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें आयोडीन, क्या डालेंगे इसमें, आयोडीन डाई, एक और डाई डालेंगे आयोडीन डाई। तो आयोडीन डाई डालेंगे, आयोडीन डाई इस कलर की होती है जिस कलर का मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आयोडीन डालने के बाद, आयोडीन जो होता है एक मॉर्डेंट होता है, क्या होता है, मॉर्डेंट होता है, ये फिक्स करता है, जो क्रिस्टल वायलेट आपने पहले डाला होगा, एक्स्ट्रा वाला निकल गया होगा तो जो बाकी रह गया होगा उसकी जो फिक्सिंग है वो आयोडीन डाई करता है। कौन करता है, आयोडीन डाई करता है, जो मॉर्डेंट और फिक्सर, क्या होता है ये, फिक्सर होता है। ठीक है, अब आप इसमें डालेंगे अल्कोहल, और अल्कोहल, क्या डालेंगे अल्कोहल फॉर 20 to 40 seconds, क्या डालेंगे अल्कोहल डालेंगे फॉर 20 to 40 seconds। उसके बाद अल्कोहल डालने के बाद अब आप इसमें डालेंगे काउंटर स्टेन, अब ध्यान से हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अब कैसे हैं, हमने क्या स्टेप्स करने हैं, पहला स्टेप है कि हमने सैंपल ऑफ बैक्टीरिया लेना है और उसको स्लाइड पे रखना है, और स्लाइड पे रखने के बाद उसको हमने फिक्स करना है। फिक्स कैसे करना है कि स्लाइड को आपने बर्नर के ऊपर रखना है थोड़ी देर के लिए, उसको फ्रैक्शन सेकंड के लिए ऊपर से उठा के एक बार घुमा दो, तो इट बिकम्स कि वो उसको हीटिंग करने से वो फिक्स हो जाएगा। फिर आप मीथेनॉल पे ट्रीटमेंट दोगे, हल्का सा ड्रॉप वाइज मीथेनॉल डालोगे, तो मीथेनॉल जो मॉर्फोलॉजी, अगर आपको उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ना है तो वो और अच्छी तरह से उसको फिक्स करेगा, आप उसकी मॉर्फोलॉजी आपको माइक्रोस्कोप में अच्छी तरह से दिखाई देगी। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिस्टल कलर की डाई डालनी है, ठीक है। अब देखो उस कल्चर में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों, अब हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव कैसा नेगेटिव कैसा, सबसे पहले मैंने कौन सी डाई डाली है, क्रिस्टल वायलेट। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, वो ट्रिक है कम इन एंड स्टेन। सब ट्रिक क्या है, टू मेमोराइज की कौन सी डाई हमने पहले डाली है, कम इन एंड स्टेन, सी से आ गया क्रिस्टल वायलेट। तो सबसे पहले आप कौन सी डाई डालोगे, क्रिस्टल वायलेट। तो सबसे पहले आपने कौन सी डाई डाली, क्रिस्टल वायलेट। ये क्रिस्टल वायलेट डाली आपने, दिस इज क्रिस्टल वायलेट डाई, ये क्रिस्टल वायलेट डाई आपने डाल दी, आपको पता है पेप्टिडोग्लाइकन। ये क्रिस्टल वायलेट डाई आपने जब डाली तो मान लो कि ये ग्रीन कलर के, तो मैंने ग्रीन कलर के बनाया, ये पेप्टिडोग्लाइकन में जाके चली गई, ऐसे चली गई। तो सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट डाई गई और ये कहाँ चली गई, आपकी पेप्टिडोग्लाइकन में जाकर बैठ गई, ठीक है, चली गई। अगर आप ग्राम नेगेटिव भी होगा उसमें भी क्या होगा, ऐसे क्रिस्टल वायलेट वाली जो डाई हमने इसमें भी डालनी है, सेम क्रिस्टल वायलेट डाई इसमें भी डाली। जब इसमें आपने क्रिस्टल वायलेट डाई डाली तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी गया, ये गया कुछ लिपिड लेयर में रह गया पेप्टिडोग्लाइकन। देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सीधी पेप्टिडोग्लाइकन ले रहा, बट ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर ये लिपोप्रोटीन LPS का एक घेरा सा बना हुआ है, एक कवर सा बना हुआ है। तो यहाँ पे जब क्रिस्टल वायलेट डाई जा रही है, तो जब क्रिस्टल वायलेट डाई हम इसमें डाल रहे हैं, दोनों में गई होगी। ग्राम पॉजिटिव ने क्रिस्टल वायलेट डाई को देखो कैसे अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन ऑलरेडी कम है और पेप्टिडोग्लाइकन से पहुँचने से पहले पहले ही लिपोप्रोटीन काफ़ी हद तक उसको वहीं पे पकड़ चुका है, वहीं पे अब्जॉर्ब कर चुका है। तो काफ़ी हद तक क्रिस्टल वायलेट डाई लिपोप्रोटीन ऊपर वाली लेयर में होगा, अंडरस्टूड। अब सेकंड डाई हम डालेंगे कम इन एंड स्टेन आई से।
आई का मतलब है हम आयोडीन डालेंगे, तो हमने क्या करनी है इसमें आयोडीन डाई डालनी है। कौन सी डाई डालनी है? क्रिस्टल वायलेट डाई हम 30 सेकंड के लिए डालेंगे। तो हमने ये स्लाइड लिया, इस पर स्टेन है, इस पर हमने क्रिस्टल वायलेट डाई डाला और 30 सेकंड के लिए छोड़ दिया ताकि उसको अंदर जाने में इतना समय मिल जाए। फिर आप इसको हल्का सा रिंस करेंगे वाटर के साथ, रिंस इट विद वाटर, वाटर के साथ डाई को, ऐसे नहीं कि नलके के नीचे, खुले नलके के नीचे रखना, हल्का हल्का पानी डालना है विद वाटर ताकि जो एक्स्ट्रा है, ऊपर ऊपर का कुछ है, जो एक्स्ट्रा डाई है जो अंदर चलेगी चलेगी, जो एक्स्ट्रा डाई है वो वहाँ से निकल जाए। फिर आपने डालनी है आयोडीन। जब आप आयोडीन डालते हो तो थर्ड सेकेंड डाई आप क्या डाल रहे हैं? आयोडीन डाई डाल रहे हैं। जो आपने ये आयोडीन डाई डाली, आयोडीन डाई इसमें भी जाएगी, आयोडीन डाई इसमें भी जाएगी, दोनों में आयोडीन डी। आयोडीन का मेन काम क्या है? आयोडीन एक फिक्सर है। आयोडीन डाई क्या है? ये डाई फिक्सेशन करती है, मॉडरेंट और फिक्सर है। तो आयोडीन डाई क्या करती है? ये फिक्स करती है, मतलब ये जो डाई आपने क्रिस्टल वॉयलेट पहले डाली थी, ये जो आपने क्रिस्टल वॉयलेट पहले डाला था, अब जब आपने इसमें आयोडीन डाई डाली, आयोडीन डाई डाली, तो यहाँ जाकर इस डाई को पकड़ लेगी, इसको पक्का कर देगी, तो इधर ही रहने, इसको बिगर मॉलिक्यूल बनाएगी, इसको वहाँ पे पकड़ लेगी। लिखा है ना मैंने आप, आयोडीन डाई मॉडरेंट और फिक्सर, ये क्या करती है? आपकी जो आपने डाई डाली, ये जो आपकी दूसरी पहली डाई थी क्रिस्टल वॉयलेट, इसको जाकर आयोडीन डाई ने पकड़ लिया और इसको पक्का कर दिया कि तू यहीं रहेगी, तूने अब यहाँ से छोड़कर बाहर नहीं जाना। गॉट इट? फिर से आपको क्या करना है? इसको वॉश करना है। सो अब आप इसको क्या करेंगे? इसको वॉश करो, वाटर के साथ वॉश करता कि एक्स्ट्रा निकल जाए। फिर आपने इसको अल्कोहल डालना है। अल्कोहल आपको 20-40 सेकंड आपको अल्कोहल इसमें पोर करना है और उसके बाद अल्कोहल डालने से क्या होगा? जो डीकलराइजेशन होगा, मतलब जो डाई होगी, मैं बताऊंगी अल्कोहल क्या काम करता है, अल्कोहल क्या करता है। इसलिए व्हाट अल्कोहल इज़ डूइंग, अल्कोहल को डीकलराइजिंग एजेंट बोलते हैं कई जगह पे, कई टीचर्स या कई जगह पे इनको बोला जाता है कि कलर कम कर रहे हैं। अभी तो कौन सा कलर था उनके पास? क्रिस्टल वाला डाला था ना, वायलेट कलर है, पर्पल कलर है, और आयोडीन डालने से आयोडीन इसको और पक्का कर लेगी, अब तो तू बाहर जाएगा ही नहीं। अल्कोहल कहता है ऐसे कैसे, मैं नहीं मानता, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी मेरा काम बाकी है। हमने उसमें अल्कोहल डालना शुरू किया। अल्कोहल बेसिकली क्या करता है? अल्कोहल वाटर को अब्सॉर्ब करता है। अल्कोहल क्या करेगा? वाटर को अब्सॉर्ब करेगा। अल्कोहल क्या करेगा? वाटर को अब्सॉर्ब करेगा। सो ठीक है, अल्कोहल क्या करेगा? वाटर अब्सॉर्ब करेगा। तो मान लो कि हमने अल्कोहल डाल दिया, ये अल्कोहल है, इसमें भी डालना है, इस पर भी डालना है। तो पहले क्रिस्टल वॉयलेट डाला, क्रिस्टल वॉयलेट आके वहाँ बैठ गया, आयोडीन ने उसको और पक्का कर दिया। अब आया अल्कोहल, पानी उन्हें डाला, एक्स्ट्रा ऑक्स्ट्रा निकल गया, अब अल्कोहल आया। अल्कोहल बेसिकली करता क्या है? आपने सैंडविच खाई है, सैंडविच में जब आप स्टफिंग करते हो, सैंडविच को पिचका दोगे तो सैंडविच का साइज़ छोटा हो जाएगा, है ना, बिल्कुल क्रश हो जाती है, मशक कर देता है सैंडविच, ऐसे हो जाता है। अपना सैंडविच लो, उसमें अपना सारा सामान डालो, उसको हाथ से कुचल दो। अल्कोहल यही करता है। अल्कोहल क्या करता है? पानी को अब्सॉर्ब करता है। तो वो पेप्टिडोग्लाइकन में जितना पानी होगा उसको अब्सॉर्ब करेगा, उसकी वजह से जो पेप्टिडोग्लाइकन जो हो जाएगी वो मैशअप हो जाएगी, मतलब ऐसी हो जाएगी, स्क्वीज़ हो जाएगी, इट विल स्क्वीज़, ऐसी स्क्वीज़ हो जाएगी, मैशअप जैसा बन जाएगा, स्क्वीज़ हो जाएगी, मतलब इसमें जो डाई है हमने डाली थी ऐसे डाल के ना, ये ऐसा हो गया, मशअप जैसा बन गया, ऐसा खुला खुला था, अब ये ऐसा हो गया, मशअप हो गया। वो पानी को सुखा देती है, पानी को सुखाने की वजह से जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो ऐसे कुछ चिकुड़ सी जाती है, मतलब मशअप सी हो जाती है। सो ये यहाँ पे आएगा, आयोडीन अभी भी उधर ही है, आयोडीन ने डाई को पकड़ के रखा हुआ, मतलब पर्पल कलर की डाई, ये पर्पल कलर का बना देते हैं, ये ऐसे होगा, ये ग्रीन कलर नहीं है, क्रिस्टल वॉयलेट पर्पल कलर का होता है, वायलेट कलर का, मैं पर्पल कलर बना देती हूँ, मतलब इसने इसको पकड़ के रखा हुआ, जाने नहीं देगा, इसको जान निकल गई, अल्कोहल ने जान निकाल दी पेप्टिडोग्लाइकन की, बट इसको जाने नहीं देगा, ऐसे का ऐसे ही पकड़ा हुआ है। नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, साइज में फ़र्क, ऐसे पकड़ लिया उसने, है ना। दूसरी तरफ ग्राम नेगेटिव में क्या हो रहा है? मैं लिखा है ना, वाटर अल्कोहल क्या कर रहा है? वाटर अब्जॉर्ब कर रहा है, ग्राम पॉजिटिव में पानी को अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन में जितना वाटर होगा ये इसको खींच लेगा, अब्जॉर्ब ही कर लेगा, और सारी पेप्टिडोग्लाइकन कुचल सी जाएगी, तो जो कुछ उसमें था वो उसी में फंस गया। ग्राम नेगेटिव में क्या हो रहा है? ग्राम नेगेटिव में ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये अल्कोहल के आने पर बेचारे भाग जाते हैं, डर जाते हैं। मान लो कि यहाँ से ये बेचारा यहाँ से गायब, डिजॉल्व ही हो गया,
ख़त्म ही हो जाता है. अल्कोहल इसको क्या कर देता है, डिजोल्व भी कर देता है. वाटर को डिजोल्व लिपिड इन ग्राम नेगेटिव, तो ये लिपिड की मॉलिक्यूल को डिजोल्व कर देता है. पेप्टिडोग्लाइकन है ही छोटा सा, इसका पेप्टिडोग्लाइकन का साइज़ देखो और इसका पेप्टिडोग्लाइकन का साइज़ देखो, छोटी सी बेचारी मामूली सी सैंडविच है, उसको कुचल दिया. कुचलने की वजह से पेप्टिडोग्लाइकन ब्रेक ही हो जाएगी. पेप्टिडोग्लाइकन क्या हो जाएगी, मैं तो दो ही बनाई है, खैर मान लो इसमें तीन लेयर्स हो, अगर सपोज करो एक दो तीन, तो दो लेयर, एक लेयर तो टूट ही गई, टूट गई ऐसे, बिल्कुल ब्रेक हो गई, टूट ही गई. तो इसके पास ये जो ये होगा, ये सारा डिफ्यूज आउट होकर बाहर चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई, पेप्टिडोग्लाइकन इस कंडीशन में क्या कर रहा है कि पेप्टिडोग्लाइकन टूट नहीं रहा है, पेप्टिडोग्लाइकन मैशअप हो रहा है. इस कंडीशन में ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन क्या कर रहा है कि आपका लिपिड का लेयर जो है वो आपका बीच में से ब्रेक हो गया. तो जो जो डाई यहाँ पे होगी, मान लो ये भी ब्रेक हो गया यहाँ से, तो जो जो डाई यहाँ पे होगी, जो जो यहाँ पे पकड़ा हुआ होगा, वो सारा डिफ्यूज आउट हो जाएगा. मतलब जितना भी क्रिस्टल वॉयलेट था जो आयोडीन ने पकड़ के रखा था, फिक्स करके रखा था, अल्कोहल ने उसकी भजियाँ उड़ा दी, अल्कोहल ने बोला मैंने तोड़ दिया, नहीं मैं ग्राम पॉजिटिव को कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव को मैंने कोशिश पड़ी थी, पर पेप्टिडोग्लाइकन बहुत मोटी होने की वजह से इट हैज़ नॉट ब्रोकन. वो ब्रोकन नहीं हुई, बट उसकी भी मैंने हालत खस्ती की हुई है, और जितने भी मॉलिक्यूल से फंसे हुए. ग्राम नेगेटिव में क्या प्रॉब्लम है कि ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन बहुत पतला है, इतनी मैशअप को बर्दाश्त नहीं कर पाया, टूट गया. लिपिड मॉलिक्यूल वैसे उसके डिजॉल्व हो गए, तो जितनी भी डाई अंदर फिक्स की हुई थी वो सारी क्या हो गई, इट हैज़ डिफ्यूज्ड आउट, वो बाहर निकल आई, निकल आई बाहर. अंदर तो हल्की फुल्की ये बची है, मान लो ये बचा है, तो मान लो कि मैंने तो सारे तोड़ दिए, तो मान लो ये टूट गया, और सारी डाई जो है वो बाहर निकल गई, इतना हिस्सा टूट गया और सारी डाई बाहर निकल गई. यानी इस वक्त तक ग्राम नेगेटिव के से क्रिस्टल वॉलेट सारा बाहर निकल चुका है, ठीक है. अब लास्ट डाई डाली जाती है, वो डाई का नाम मैंने क्या लिखा है, कमिन एंड स्टेन्स से आ गया सेफ्रिन. कौन सी डाई डालेंगे, सेफ्रिन. सेफ्रिन पिंक कलर का हम डालेंगे, मान लो ये पिंक कलर का, कौन से कलर का है, होता है पिंक कलर का. कौन से कलर का, पिंक कलर का. अब हमने लास्ट में क्या किया, एक और डाई डाली लास्ट, दिस इज द लास्ट, यहाँ इसको डालेंगे, इसका ये हाल हो गया ना, अब डालो पिंक कलर का डाई, यहाँ पे भी डालो पिंक कलर का डाई, है ना. अब पिंक कलर का डाई जा रहा है अंदर, वो कह रहा मैं क्या लूँ, मैं ऑलरेडी मैशअप हूँ और मेरे में सब कुछ फंसा हुआ है, मैं आपको ये एक्सेप्ट ही नहीं करता. ग्राम पॉजिटिव इतना भर गया है, कैन नॉट एक्सेप्ट पिंक कलर, ये पिंक कलर को एक्सेप्ट ही नहीं करता, पिंक कलर की डाई को एक्सेप्ट ही नहीं करता. ग्राम नेगेटिव का तो कोई बात नहीं, मैं तो टूटा हुआ हूँ, बिखरा हुआ हूँ, मेरे तो सब कुछ खुला हुआ है, आ जाओ अंदर, और ये पिंक कलर को एक्सेप्ट कर लेता है. अब इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, है ना. ऐड काउंटर स्टेन, जैसे सेफ्रिन बोलते हैं, वॉश करेंगे इसको, भी वॉश करने के एक्स्ट्रा निकल जाए, उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं. और जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या देखा जाता है, कि ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर है, ऐसे मैकला कुचला हुआ स्ट्रक्चर, ये उसकी लेयर है, और क्रिस्टल वॉयलेट अभी भी उसमें पड़ा हुआ है, और उसको किसने पकड़ के रखा है, आयोडीन ने उसको पकड़ के रखा है, दैट इज वाई क्रिस्टल वॉयलेट वहां से बाहर नहीं निकला, इट हैज नॉट गॉन आउट. पर ये ग्राम पॉजिटिव का हाल, तो मतलब ग्राम पॉजिटिव विल अपीयर पर्पल. ग्राम पॉजिटिव कैसा नजर आएगा, पर्पल, क्योंकि क्रिस्टल वॉयलेट ने उसको छोड़ा ही नहीं. कौन से कलर का नजर आएगा, पर्पल कलर का नजर आएगा. पर जब उन्होंने ग्राम नेगेटिव को देखा, उसकी हालत बड़ी, वो कैसा हो गया था, ग्राम नेगेटिव ऐसा हो गया था पिंक कलर का, हो कैसा हो गया, पिंक कलर. क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने वहाँ पे क्या बनाया, उसकी लिपिड की जो लेयर थी वो ब्रेक हो चुकी थी काफ़ी हद तक, है ना, रास्ते खुले हुए थे. जो क्रिस्टल वॉलेट और आयोडीन उन्होंने डाला था वो निकल गया था, टूटने की वजह से वो बाहर चला गया था. पेप्टिडोग्लाइकन वैसे बुरी हालत में है, वैसे टूटा हुआ था, है ना. ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इंटैक्ट है, इसको कुछ नहीं है. तो इसके ये तो टूटा हुआ था, तो जब इस पर पिंक कलर आया, जब हमने इसमें सेफ्रिन डाई डाली, वो कलर डाला, तो इसने उस कलर को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज़ वाई सारी डाई इसके अंदर चली. तो जब माइक्रोस्कोप में देखा,
तो ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर का आता है और ग्राम नेगेटिव पिंक कलर का आता है। तो जिसने वो क्रिस्टल वॉलेट डाई को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके कलर चेंज किया वो पॉजिटिव, और जिसने ग्राम सर की बात को नहीं सुना उसको लगा कि इसने मेरी डाई को एक्सेप्ट नहीं किया वो क्या हो गई ग्राम नेगेटिव। इससे उसको ये बात पता चली कि जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें एक बहुत मोटा पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है जिसकी वजह से उसने उस कलर को रिटेन करके रखा, और ग्राम नेगेटिव में ऐसा लेयर नहीं है जिसकी वजह से उसने उस कलर को रिटेन करके नहीं रखा। फिर से हुआ क्या, हमारे पास हमने बैक्टीरिया, हमें नहीं पता उसमें ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने बैक्टीरियाज ग्रो कर लिया। ग्रो करने के बाद उसने हमने उसको एक ग्लास लाइट पर डाला। तो सबसे पहला काम किया, मैंने आपको ट्रिक बता दिया, कम इन एंड स्टेन। सबसे पहला काम किया, आप उसको पहले ही जब भी बैक्टीरिया आप स्लाइड पर लेते हो आपको हल्का सा हीट फिक्स करो, गर्म करो ताकि वो स्लाइड के साथ चिपक जाए। फिर उसके बाद उसमें मीथेनॉल डालो ताकि उसका स्ट्रक्चर और बेटर आए, ताकि हम उसको पर्टिकुलरली पढ़ लें। उसके बाद आप क्या करें, उसमें आप डालें पहला डाई क्रिस्टल वायलेट। पहला डाई कौन सा डालना है, क्रिस्टल वायलेट, ये पर्पल कलर वाला, ये वाला क्रिस्टल वायलेट होता ही पर्पल कलर का, ये वाला डाल दिया, ये क्रिस्टल वायलेट आपने डाला। क्रिस्टल इसमें भी डाला, इसमें भी क्रिस्टल वायलेट डाल रहे हो, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में क्रिस्टल वायलेट डाल रहे हो। इसमें क्या हो रहा है, क्रिस्टल वायलेट इसमें भी फिक्स हो रहा है, इसमें भी फिक्स हो रहा है, पर इसमें क्या हो रहा है, पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर ऑलरेडी दो परतें हैं जिन्हें आप लिपोप्रोटीन या पॉलीसेक्राइड बोलते हैं, तो वो उसको इसमें तो डायरेक्टली पेप्टिडोग्लाइकन पे जाएगा, इसमें क्या करेगा पहले इसके को काउंटर करना पड़ेगा फिर इसमें जाएगा, तो हल्का फुल्का पेप्टिडोग्लाइकन तक जाता है बाकी ऊपर रहता है। फिर उसने क्या, इसको पानी से धोया कि अगर एक्स्ट्रा कुछ होगा तो निकल जाएगा। फिर से थर्ड डाला आपके पास कौन सी वाली डाई, कम इन एंड स्टेन। थर्ड डाई कौन सी डाली आपने, सेकंड डाई कौन सी डाली, आयोडीन, पानी के साथ धोया आयोडीन। आयोडीन इज नॉट इम्पार्टिंग एनी कलर, बट ये क्या कर रहा है, पक्का कर रहा है कि ये आयोडीन, ये आयोडीन क्या कर रहा है, ये इसको पकड़ कर, तूने कहीं जाना नहीं, तेरे कारण ही चेकिंग करनी है हमने सारी, इधर भी पकड़ा हुआ, पकड़ लिए ठीक है, डाल दिए, फिर पानी से धोएंगे कि एक्स्ट्रा आयोडीन निकल जाए। फिर हमने इसको अल्कोहल डाला, अल्कोहल लगातार नहीं डाला, अगर आप लगातार डालोगे तो अल्कोहल इतना पावरफुल है, दस आधा घंटा करोगे सब कुछ ही निकल जाएगा, थोड़ा ड्रॉप वाइज डालना है। अल्कोहल बेसिकली क्या करता है कि आपके पेप्टिडोग्लाइकन में जितना पानी है उसको खींच लेगा। अब जब इसने इसमें पानी खींचा तो ऐसे मानो कि ब्रेड जो है वो आपको एकदम से स्क्वीज, जैसे हमने सैंडविच खाई तो आप स्क्वीज कर लेंगे, जब मान लो आपके हाथ में सैंडविच है उसको कुचल दो, बस यही हाल होगा, पेप्टिडोग्लाइकन पूरी कुचल गई, कुचलने की वजह से अंदर जो स्टफ था टूटी नहीं है क्योंकि ताकतवर है ना, और ऊपर कोई लेयरिंग नहीं है, तो ऑलमोस्ट अंदर तक आयोडीन ने अंदर तक इसको पकड़ के रखा हो। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिपिड के ऊपर पकड़ा है, फिर हल्का फुल्का पेप्टिडोग्लाइकन में क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन ने उसको पकड़ा, जब से अल्कोहल डाली तो ये तो बेचारी सारी उड़ गई, लिपिड क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, तो लिपिड के पास जितना भी ये डाई होगा वो निकल गया होगा, पेप्टिडोग्लाइकन क्या हो गई, ब्रेक हो गई, उसने भी सारा छोड़ दिया, पेप्टिडोग्लाइकन में क्या हो गई, ब्रेक हो गई, उसने भी सारा छोड़ दिया, तो उसने जो भी ये डाइस थी दोनों क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन उसको डिफ्यूज करके बाहर निकाल दिया। अब उसने इसको दोबारा, अब यानी इसके पास पर्पल कलर अभी भी है, इसके पास पर्पल कलर नहीं होगा क्योंकि पर्पल कलर तो उसने छोड़ दिया। अब इसने चेक कर, अब इसने कौन सी डाई डाली, लास्ट डाई डाली आपकी काउंटर स्टेन सेफ्रिन डाई, पिंक कलर का डाई डाला। अब जैसे पिंक कलर का डाई डाला, ग्राम पॉजिटिव कहता भाई मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बड़ी डाइज है, ऑलरेडी मैं पिचका हुआ, मेरे पास जगह ही नहीं है, आप ये डाई वापस भेजो, तो वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, जबकि ग्राम नेगेटिव पूरा टूटा होगा तो जो दे दोगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा ना, मुझे हल्का सा भी दोगे तो वो जो पिंक कलर का डाई गया ना यहाँ पे, ये अंदर आ गया, और अंदर आने की वजह से ग्राम जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अंदर, मतलब ये अंदर चला जाएगा, इट विल गो इन साइड, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म तक चला जाएगा, और साइटोप्लाज्म जो है वो इस कलर को एक्सेप्ट कर लेगा, और इनका कलर कैसा हो जाएगा, सेल कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। सो हमारे को एक बात, हमने शुरुआत में क्या किया है, सो हमने बैक्टीरिया को हीट किया, फिक्स किया, और उसमें क्या डाला, क्रिस्टल वायलेट, कौन सी डाई डाली, क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट एक पिंक कलर का डाई है, सॉरी पर्पल कलर का डाई होता है, कौन से कलर का डाई होता है, पर्पल कलर का डाई। इस वक्त दोनों तरह के बैक्टीरिया, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे वो ग्राम नेगेटिव, दोनों ही कैसे नजर आएंगे,
दोनों ही पर्पल नज़र आएंगे. गॉट इट. फिर ये फर्स्ट स्टेप किया. सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने क्या डाला, हमने आयोडीन डाला, हमने आयोडीन डाला. आयोडीन ऑलरेडी हमारा जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, पर्पल कलर का है ना, पर्पल कलर पे अड़ा हुआ है. अब पर्पल कलर किसकी वजह से आया, क्रिस्टल वायलेट की वजह से आया है ना. अब इसको फिक्स करने के लिए हमने क्या डाला, आयोडीन डाला. तो आयोडीन ने इसको और पक्का कर दिया कि पर्पल कलर जो है वो पक्का हो जाए, फिक्स द पर्पल कलर. फिक्सी पर्पल कलर, इसने क्या कर दिया, पर्पल कलर को फिक्स कर दिया, मतलब क्रिस्टल वायलेट को फिक्स कर दिया, फिक्सर का काम करता है. फिर हमने डाला है अभी भी ग्राम पॉजिटिव, अभी भी दोनों बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव के और फिक्स हो गया, तो उसने और पुख्ता कर दिया. ग्राम नेगेटिव कौन सा कलर शो करेंगे, पर्पल कलर. कौन सा कलर शो करेंगे, पर्पल कलर. अभी भी पर्पल कलर है दोनों. फिर आएगा मेरे पास थर्ड. थर्ड में मैंने क्या किया, अल्कोहल डाला. अल्कोहल का काम मैंने आपको बताया, अल्कोहल क्या करता है, जो भी पेप्टिडोग्लाइकन को स्क्वीज कर देगा, पेप्टिडोग्लाइकन को ब्रेक कर देगा, लिपिड्स को डिफ्यूज कर देगा. ग्राम नेगेटिव में लिपिड लेयर टूट गई, उसकी पहली लेयर ही टूट गई, पेप्टिडोग्लाइकन पिचक गया, तो जितना भी डाई था वो सारा बाहर आ गया. पर पेप्टिडोग्लाइकन जो आपका इसका था, ये हिस्सा, ये चाहे पिचक गया है, बल गया है, कहता जान चली, बल चला जाए पर वो ना छोड़े, अपना काम करना नहीं छोड़ा, जब इतना पिचक गया है कि इसका पॉजिटिव ये हो गया कि इसने डाई को पक्की तरह से पकड़ लिया, ये इसका बुरा हाल हो गया, सारे टूट गया, सारी डाई डिफ्यूज हो गई, तो ये पर्पल कलर को छोड़ देगा. इस वक्त क्या होगा, इस वक्त पर्पल कलर अल्कोहल डालने के बाद जो ग्राम पॉजिटिव है वो उसकी पेप्टिडोग्लाइकिन क्या हो जाएगी, मशअप हो जाएगी. क्या हो जाएगी, मशअप. मशअप का मतलब होता है स्क्वीज हो जाएगी. क्या हो जाएगी, स्क्वीज हो जाएगी. और इट विल रिटेन क्रिस्टल, या अभी भी क्रिस्टल वॉयलेट इसके पास, क्रिस्टल वॉयलेट प्लस वो जो आयोडीन वाला है इसके पास है, जिसकी वजह से अभी भी इसका कलर, कलर इज स्टिल पर्पल. उसके कलर को कुछ नहीं होगा. पर दूसरी साइड पे बेचारे ग्राम नेगेटिव की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं. जो ग्राम नेगेटिव है क्या हो जाएगा, लिपिड लेयर डिफ्यूज हो गई है. लिपिड लेयर क्या हो गई है, क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई. लिपिड लेयर टूट गई, डिजॉल्व हो गई थी. पेप्टिडोग्लाइकन ब्रेक हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, और क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन गोज आउट ऑफ दी सेल, सेल से बाहर चला गया. सो नो पर्पल कलर रहा ही नहीं, जब वो बाहर ही चला गया तो जिसके से पर्पल कलर था वो गायब. इट बिकम्स कलरलेस, ये क्या हो गया, कलरलेस. फिर पर्पल कलर चला गया, ये क्या हो गया, एंड बिकम कलर. यानी इस वक्त अगर आप ध्यान से देखें तो इस पोजीशन पे जब अल्कोहल डालेंगे तो ग्राम पॉजिटिव कैसा है, पर्पल का, और ग्राम नेगेटिव कैसा है, कलरलेस. ग्राम नेगेटिव कैसा हो गया, कलरलेस. अब उन्होंने डाली है तुम्हारी लास्ट डाई, और जो हमारी पिंक कलर की डाई होती है. अब जब ये सेफ्रिन ने ग्राम पॉजिटिव में डाली, ग्राम पॉजिटिव क्या था, ऑलरेडी बेचारा भरा पड़ा है, वो कहाँ लेगा, टूटा हुआ और पिचका हुआ और उसमें ऑलरेडी क्रिस्टल वायलेट है, तो ये विल नॉट एक्सेप्ट सेफ्रिन. पिंक कलर को एक्सेप्ट नहीं करेगा सेफ्रिन. ग्राम नेगेटिव इज लिपिड लेयर डिजॉल्व हो चुकी है, लिपिड लेयर डिजॉल्व होती है. ग्राम नेगेटिव है, लिपिड लेयर डिजॉल्व हो रही है.
ग्राम नेगेटिव लिपिड रिजॉल्व हो रही है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन ब्रेक हो रहा है जिसकी वजह इट विल अब्सॉर्ब पिंक कलर और सैफरिन डाई एंड बिकम कैसा हो जाएगा जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे पिंक कलर की डाई पकड़ी हुई तो कैसा हो जाएगा बिकम पिंक इन कलर। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड यहाँ से पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव के पास एक तगड़ी पेप्टिडोग्लाइकन है, थिक पेप्टिडोग्लाइकन है। ये ग्राम स्टेन को रिटेन करता है, रिटेन। ग्राम नेगेटिव से क्या हो रहा है, ग्राम नेगेटिव वाले से एक चीज पता चलती है कि इसके पास थिन पेप्टिडोग्लाइकन है। और ये क्या कर रहा है, इसके पास थिन पेप्टिडोग्लाइकन है, इसके पास एक लिपिड का लेयर है, लिपोप्रोटीन लेयर है। इसके पास एक लिपिड लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है, इसके पास लेयरिंग थोड़ी ज़्यादा है। तो ये इनकी सेल वॉल में डिफरेंस है और बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल का डिफरेंस ग्राम नेगेटिव इज नॉट रिटेनिंग ग्राम स्टेन और क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, ये क्रिस्टल वायलेट को नहीं रखता है। और ग्राम नेगेटिव कौन सी डाई को सस्टेन करता है, रिटेन सस्टेन सैफरिन, किसको करता है, सैफरिन को करता है, पिंक कलर देता है। यानी ग्राम नेगेटिव कौन सा कलर दे रहा है, पर्पल कलर, और ग्राम नेगेटिव कौन सा कलर दे रहा है, पिंक कलर। दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। इसको ध्यान से देखो, ग्राम पहले पहली वाली देखो फिर ग्राम ये वाली देखो फिर ही समझ आएगी। मुझे पता है टाइम लगेगा बट ध्यान से सुनो, दो बारी सुनो, तीन बारी सुनो, आएगा समझ। लिखो इसको, समझने की कोशिश करो।